हेलो एवरीवन सीएलसी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग डीसीएम टेस्ट सीरीज़ के डीटीएस 40 को डिस्कस करने वाले हैं और इस पेपर का जो टॉपिक है वो है मॉडर्न फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन एरर इन मेजरमेंट बच्चों अगर आप 2013 से लेकर के अब तक के पेपर को आई एडवांस के पेपर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर पेपर में चाहे वो पेपर वन हो पेपर टू हो हर पेपर में एरर इन मेज़रमेंट और यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं तो इसलिए आई एडवांस के प्रिपरेशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों तो अब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप देखोगे कि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं वो आपके प्रिपरेशन के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये पेपर का सॉल्यूशन

तो हमें क्या बताना है बच्चों इसमें V और A का डायमेंशंस बताना है ठीक है ध्यान देना सबसे पहले चेक करें ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशन लेस होता है यानी A और T का जो प्रोडक्ट है इसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा ये डायमेंशन लेस होगा तो यहाँ पर T टाइम है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो A का डायमेंशन होगा वो T माइनस वन के इक्वल होगा अब अगर सिर्फ इसके बात करें v नॉट बाय a इसका डायमेंशन x के इक्वल होना चाहिए x क्या है डिस्टेंस है पोजीशन है l से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसके डायमेंशन को और v नॉट का डायमेंशन हमें फाइंड करना है देखो v नॉट और a दोनों के लिए एक का डायमेंशन मिल चुका है एक का डायमेंशन क्या है t माइनस वन तो आप इसको ऊपर लिख दो ये t बन जाएगा या ऐसे लिख देते देखो इसका डायमेंशन फाइंड करना है यहाँ पर टी माइनस वन लिख दे अब ये टी माइनस वन को अगर आप इस तरफ लिख देते हो तो फिर क्या आएगा वी नॉट का डायमेंशन हमें मिल जाएगा एल टी माइनस वन ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया वी नॉट का तो देखो अब हम लोगों को आंसर चेक करना है वी नॉट के लिए एल टी माइनस वन फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है एल टी माइनस वन और फिर देखो ए का डायमेंशन है टी माइनस वन फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखो इसमें क्या लिखा है द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन बाय एफ इक्वल्स टू सी एम टू दावर एक्स के टू दावर वाई वेयर सी इज़ अ dimensionless constant, the द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली अब एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है डायमेंशनल एनालिसिस से तो देखो एफ क्या है फ्रीक्वेंसी। यानी कि हम लोग जो राइट हैंड साइड में है सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसकी डायमेंशन को टी माइनस वन लिख देंगे सी तो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वान्टिटी है एम मास है तो इसके लिए आप एम लिख सकते हो कैपिटल एम और के है फोर्स कांस्टेंट कहीं लिखा है स्प्रिंग कांस्टेंट ठीक है ना तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो हम लोग क्या लिखते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर होता है डायमेंशन अगर आप लिखोगे तो एम एल टी माइनस टू बाई एल तो एल कैंसल हो जाएगा S आ जाएगा ठीक है इस पे अब वाई लिख देते हैं पावर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आप ऐसे लिख सकते हो एम ज़ीरो एल जीरो टी माइनस वन इक्वल्स टू एम टू दावर एक्स प्लस वाई फिर एल तो यहाँ ज़ीरो ही है टी पर जो पावर आएगा वो क्या आएगा एक्सपोनेंट्स माइनस टू वाई ठीक है तो सबसे पहले आप इन दोनों को इक्वेट कर दो वाई की वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगी y इज इक्वल्स टू सॉरी प्लस हाफ हो जाएगी ना देखो माइनस वन माइनस टू वाई के इक्वल है तो यहां से आप y की वैल्यू लिख सकते हो वन बाई टू और फिर x प्लस वाई जीरो के इक्वल है यानी x माइनस वाई के इक्वल होगा माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ वाई प्लस हाफ तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ेंगे ये तो सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री थर्ड क्वेश्चन के लिए देखो क्या लिखा है पीरियड ऑफ ऑसोलेशन ऑफ अ सिंपल गिवन बाय इक्वल्स टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी वेयर एल इज अबाउट हंड्रेड सेंटीमीटर एंड इज नोन टू हैव वन मिलीमीटर एक्यूरेसी, ठीक है फिर उसके बाद क्या लिखा है द पीरियड इज अबाउट टू सेकेंड टाइम पीरियड गिवन है द टाइम ऑफ ऑसिलेशन फिफ्टी ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाई अ स्टॉप वॉच ऑफ लीस्ट काउंट जीरो पॉइंट वन सेकेंड परसेंटेज एरर इन जी एस हमें जी में परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो देखो आप ऐसा लिख सकते हो ये यहाँ पर जी की वैल्यू फोर पाई स्क्र यानी दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं फिर जी को इधर ले आते हैं तो फोर पाई एल ओवर टी स्क्र ऐसा आ जाएगा अगर एरर इन मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं तो ऐसा लिखा जा सकता है डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल फिर टी स्क्वेयर के लिए टू डेल्टा टी बाई टी जो एरर हमें फाइंड करना है वो परसेंटेज में तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में अभी डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू पुट करते हैं वन मिलीमीटर एक्यूरेसी दिया हुआ और है और लेंथ है हंड्रेड सेंटीमीटर दोनों को सेंटीमीटर में लिखे डेल्टा एल पॉइंट वन सेंटीमीटर आएगा नीचे ये हंड्रेड आ जाएगा फिर डेल्टा टी ज़ीरो पॉइंट वन सेकेंड लिखा है जीरो पॉइंट वन और टोटल टाइम की बात करें फिफ्टी ऑसिलेशन टाइम पीरियड है टू सेकेंड फिफ्टी ऑसिलेशन में हंड्रेड सेकेंड का टाइम लगा होगा तो यहाँ पर हंड्रेड लिख देते हैं अभी ये जो एरर आ रहा है रिलेटिव एरर है और रिलेटिव एरर की वैल्यू है जीरो पॉइंट थ्री बाई हंड्रेड अगर आप इसी को परसेंटेज में लिखते हो तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट थ्री परसेंट ठीक है अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन हो गया अगला है क्वेश्चन नंबर फोर फोर्थ में लिखा है अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस डी फ्रॉम अ मेटल सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एट रेट एन द काइनेटिक एनर्जी बीइंग इफ द सोर्स इज ब्रॉट नियर नियरर टू डिस्टेंस डी बाई टू द रेट एंड काइनेटिक एनर्जी पर फोटो इलेक्ट्रॉन बिकम्स नियरली ध्यान देना अब यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है उसको पास ला रहे हैं तो जब सोर्स को आप पास लाओगे उससे इंटेंसिटी बदल जाएगी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और इंटेंसिटी को बढ़ाने से रेट ऑफ एमिशन बढ़ जाएगा जिसके कारण फोटो करेंट पर फ़र्क पड़ता है लेकिन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता वो तो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है बच्चों तो जब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है ई e की वैल्यू चेंज नहीं होगी ठीक है e ई ही रहेगा काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये तो ई e है डिस्टेंस हाफ कर दिया पहले डी था अब डी बाई टू डिस्टेंस पर लाते हैं डिस्टेंस हाफ होने से इंटेंसिटी फोर टाइम्स हो जाएगी क्योंकि इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जब आप हाफ डिस्टेंस पर लाते हो तो डिस्टेंस हाफ होने से इंटेंसिटी फोर टाइम्स ये फोर ई सॉरी फोर एन हो जाएगा जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं फोर टाइम्स हो जाएंगे तो फोर एन और ई थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें लिखा है इफ लेमडा मिनिमम इज मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड इन द एक्सरे ट्यूब एंड लेमडा के एल्फा इज द वेवलेंथ ऑफ के एल्फा लाइन एज द ऑपरेटिंग ट्यूब वोल्टेज इज इनक्रीज तो अब चार ऑप्शन दिए हैं हमें बताना है कि क्या हो सकता है देखो बच्चों के एल्फा जो है ना इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ठीक है लेकिन जब हम लोग लेमडा मिनिमम की बात करते हैं तो लेमडा मिनिमम के लिए एच सी बाई मैक्सिमम लिखते हैं ठीक है और मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगी ई इंटू वी अब जो ऑपरेटिंग पोटेंशियल है क्वेश्चन में लिखा है इसको इंक्रीज कर रहे अगर आप ऑपरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे तो लेमडा मिनिमम ये डिक्रीज हो जाएगा ठीक है ना और लेमडा मिनिमम डिक्रीज हो गया लेमडा के अल्फा पे कोई फर्क नहीं पड़ा जबकि लेमडा मिनिमम डिक्रीज़ हो गया तो अगर आप ये डिफरेंस लिखते हो तो ये डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा देखो ये टर्म पे चेंज नहीं आ रहा और ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज हो रही है इस वजह से ये डिफरेंस इंक्रीज होगा तो डिफरेंस इंक्रीज तो ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है यहाँ डिक्रीज और यहाँ लिखा है लेमडा के अल्फा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता फिर तो ये तो सारे ऑप्शन में सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है सेकेंड थर्ड फोर्थ इनकरेक्ट है अब आगे बढ़ेंगे ये था क्वेश्चन नंबर फाइव नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो सिक्स क्वेश्चन में क्या लिखा है अ स्मॉल मिरर ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट थ्रेड ऑफ लेंथ एल अ शॉर्ट पल्स ऑफ लेजर फॉल्स ऑन द मिरर विथ एनर्जी ई देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अब मिरर है यानी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ठीक है अब देखो देख पर क्या लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में इफ द पल्स फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर इट्स इट इज इजेड बाई थीटा ये थीटा की वैल्यू गिवन है second में सबको सेम लिखा है थीटा की वैल्यू अलग दी हुई है चेक करते हैं फर्स्ट और सेकेंड में से कोई सही है या नहीं है तो कौन सा सही है थर्ड में लिखा है इम्पल्स इन द थ्रेड डिपेंड्स ऑन एंगल एट विच द पल्स फॉल्स ऑन द मिरर बिल्कुल सही है अगर 90 डिग्री पर आ रहा है तो अलग होगा इम्पल्स किसी और एंगल पर आ रहा है तो इम्पल्स अलग होगा यानी एंगल पर तो डिपेंड करेगा ये सही है तो ऑफ दिस तो नहीं लिखेंगे अब फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों में से कोई एक सही है या नहीं क्योंकि ये सिंगल करेक्ट आंसर है तो सिर्फ थर्ड आंसर ही करेक्ट होगा लेकिन फर्स्ट और सेकंड में एंगल डिफ्लेक्शन का थीटा दिया है हम लोग एक बार चेक करते हैं कि थीटा अगर कैलकुलेट करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए ठीक है ध्यान देना परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए चेंज इन मोमेंटम इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टू ई बाई सी लिख सकते e बाई सी ये मोमेंटम के इक्वल होता है तो टू ई बाई सी लिख देते हैं ठीक है ना अब ये एम वी के इक्वल होगा तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा v की वैल्यू v मिल गई अब रे ऑफ लाइट इस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो अगर इस पर नॉर्मली रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो जाएगा ही नॉर्मल इंसिडेंस के लिए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस था चेंज इन मोमेंटम हम लोगों ने लिख लिया है और मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किसी एंगल पर थीटा एंगल पर टिल्ट होने के कारण ये थीटा एंगल पर ऐसे किया ना तो हाइट इसमें जो रेज होगा इस हाइट को हम लोग एच से डिनोट कर देते हैं ठीक है अगर लेंथ एल है तो ये एल ये डिस्टेंस एल कॉस थीटा हो जाएगा समझ पा रहे हो अब यहां पे लिखते हैं देखो ऐसा कुछ कंडीशन है ये एंगल थीटा ये एल ये हो जाएगा एल कॉस थीटा तो इस एच को हम लोग लिख सकते हैं एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा बस अब चेंज इन एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसके इक्वल होगा तो हाफ एम बी स्क्वायर ये नीचे था यहाँ से चलना स्टार्ट किया ऐसे थीटा एंगल पर टिल्ट हो चुका है हम लोग लिख देंगे एम जी इंटू एच एच की वैल्यू है एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा वी की वैल्यू पुट कर दे अगर टू ई बाई एम सी इसका स्क्वायर हो जाएगा जी एल को ऐसे ही रहने दे रहे हैं ठीक है वन माइनस कॉस थीटा को आप टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख सकते हो तो ये जो टू है स्क्वायर होके फोर होगा एक टू ये एक टू ये और यहां पर फोर सब कैंसिल हो जाएंगे ई e गया। आप जी एल को भी आप यहां नीचे लिख सकते हो ई e स्क्वेयर बाय एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर जी एल अगर थीटा की वैल्यू बहुत ही कम है तो साइन स्क्वायेर थीटा बाई टू को थीटा बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं थीटा बाई टू का होल स्क्वायर यानी थीटा स्क्वायर बाई फोर अब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी देखो इसके बाद थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख दे बच्चों तो थीटा की वैल्यू होगी टू ई डिवाइडेड बाई एम सी स्क्वायर रूट ऑफ जी एल ये टर्म आएगा ठीक है अब चेक करते हैं देखो जो आंसर्स दिया है इसमें 2e 2e टू बाय एम सी स्क्वायर रूट ऑफ 2gl जी दिया है हमारा आंसर क्या रहा है जी एल तो पहला इनकरेक्ट है ठीक है उसके बाद सेकंड में बात करें तो इसमें देखो एल तो आया ही नहीं तो ये भी इनकरेक्ट है फर्स्ट सेकंड दोनों इनकरेक्ट हो गया थर्ड करेक्ट है ठीक है अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन इसमें लिखा है इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय यू इक्वल्स टू के स्क्वायर बाय आर क्यूब वेयर ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर इज द रेडियस ऑफ द एटम देन रेडियस ऑफ बोर्ड ऑर्बिट इज गिवन बाय सबसे पहले क्या लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इसकी वैल्यू है के ई स्क्वायर बाय टू आर क्यूब फोर्स को लिख दे माइनस डी यू बाई डी आर जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस माइनस प्लस थ्री के ई स्क्वेयर बाई टू आर टू पावर फोर आ गया यह फोर्स मिल गया बच्चों इस फोर्स को हम लोग एम वी के इक्वल कर देते हैं ये फोर्स किसके इक्वल होगा एम वी स्क्वेयर बाई आर के इक्वल थ्री के ई बाय बाई टू आर टू दी पावर फोर एक आर कैंसल हो जाएगा तो एम वी स्क्वेर आर क्यूब इसको थ्री के ई स्क्वेर बाई टू एम नहीं एम तो नहीं आएगा एम को उसी तरफ रखा है ठीक है ना एक आर कैंसिल हो गया बच्चा जो आर क्यूब उसको इस तरफ ले लिया ये एक इक्वेशन आ गया दूसरा इक्वेशन बोर्स पॉस्टुलेट से हम लोग लिखते हैं एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई ऐसा दूसरा इक्वेशन होता है अब इसको स्क्वायर कर दें इस वाले इक्वेशन को तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई टू पाई का स्क्वायर लिख सकते हैं दोनों को डिवाइड कर दें तो देखो यहां पर वी स्क्वायर कैंसल हो जाएगा इसको आप इक्वेशन वन नाम दे दो इसको इक्वेशन टू नाम दे दो वन डिवाइडेड बाई टू कर दे यहाँ पर आर बचेगा ऊपर नीचे एम इसमें क्या लिख सकते हैं थ्री के ई स्क्तर बाई टू ये एन स्क्वायर एच भी नीचे आ जाएगा फोर पाई स्क्वायर ऊपर आएगा ठीक है अब इस टू से आप इसको कैंसिल कर दो फिर आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी थ्री इंटू टू सिक्स के ई स्क्वेर फिर एम और पाई स्क्वा डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये आंसर होना चाहिए अब चेक करेंगे बच्चों देखो सिक्स के ई स्क्वायर सिक्स के ई स्क्वायर एम पाई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर इसमें आ रहा है और तो कहीं सिक्स है भी नहीं तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू ठीक है ना इसका सेकेंड आंसर करेक्ट है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगला है क्वेश्चन नंबर एट एट क्वेश्चन में लिखा है रेसिस्टिविटी रो ऑफ अ मटेरियल ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल डायमीटर डी एंड रेसिस्टेंस आर इज गिवन बाय रो इक्वल्स टू पाइ r d square over 4 L. The length of the wire L equals to 100 centimeter is measured using a meter scale with a least count of 1 millimeter. Diameter d given at the 0.22 centimeter measured using a screw gauge with least count 0 0.01 centimeter and resistivity r equals to 5 ohm is measured with accuracy 0 0.01 ohm. वट इज द परसेंटेज एरर इन रेसिस्टिविटी, एरर का कॉन्सेप्ट है देखो डायरेक्ट लिख दें डेल्टा रो बाय रो पाई में तो कोई एरर नहीं आएगा डेल्टा आर बाय आर फिर टू डेल्टा डी बाय डी प्लस डेल्टा एल बाय एल परसेंटेज में दिया है तो सबको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में अभी लिख देते हैं ये हंड्रेड और यहां पर ये भी इंटू हंड्रेड अब सॉल्व करते हैं देखो डेल्टा आर बाय आर आर गिवन है फाइव पॉइंट जीरो 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 पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो वन बाई फाइव फिर डेल्टा डी डायमीटर जीरो पॉइंट टू टू और लिस्ट काउंट है ज़ीरो पॉइंट वन वन ज़ीरो पॉइंट जीरो वन सॉरी जीरो पॉइंट ज़ीरो वन और ये ज़ीरो पॉइंट टू टू फिर डेल्टा एल की बात करें वन मीटर और हंड्रेड सेंटीमीटर इसको पॉइंट वन सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, पॉइंट वन बाई हंड्रेड इन टू हंड्रेड देखो ध्यान देना अब जब आप इसको हंड्रेड से पहले तो ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसल कर दो टू से ये अलेवन टाइम्स में कैंसिल हो गया ठीक है सबको 100 से मल्टीप्लाई दें ये हो जाएगा 1 बाय फाइव यानी कि 0.2 टू यहां पर क्या आएगा 100 बाई इलेवन लगभग 9 और यहां पर ये 0.1 आएगा सबको ऐड करके क्या लिख सकते हैं 9.3 तो करेक्ट आंसर होगा 9.3 परसेंट ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर एट था क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन्थ में लिखा है टू इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड वी वन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ रीजन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल द अदर एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन आफ्टर सम टाइम इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंस ऑफ टू आर लेमडा वन एंड लेमडा टू देन देखो बच्चों लेमडा टू किसके लिए है मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड में स्पीड चेंज होगी नहीं ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम चेंज नहीं होगा डायरेक्शन बदल सकता है मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा टू तो चेंज होगा नहीं लेकिन अगर लेमडा वन की बात करें तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट भी हो सकता है डिसलरेट भी हो सकता है डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनस है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन किस तरफ है डिपेंड करता है तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों हो सकता है यानी स्पीड इंक्रीज हो सकती है स्पीड डिक्रीज हो सकती है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो लेमडा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है तो जो लेमडा वन है वो लेमडा टू से कम भी हो सकती है लेमडा टू से ज्यादा भी हो सकती है दोनों ऑप्शन पॉसिबल है फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अगला है क्वेश्चन नंबर टेन टेंथ में लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज यानी कि फिर से लेमडा सॉरी वी को बढ़ा रहे हैं तो लेमडा मिनिमम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अब लिखा है एज अ रिजल्ट इट इज इन द इमिटेड रेडिएशन द इंटेंसिटी इंटेंसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर ये इंटेंसिटी है अब मिनिमम वेवलेंथ की बात करें मिनिमम वेवलेंथ को हम लोग लिखते हैं एच सी बाई ई इंटू वी ये पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया लेमडा मिनिमम डिक्रीज हो जाएगा फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा अगला है क्वेश्चन नंबर इलेवन देखो इसमें क्या लिखा है वर्क फंक्शन ऑफ ऑफ मेटल ए इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है थर्टीन पॉइंट सिक्स बाई फोर यानी कि थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है ना नेगेटिव में एनर्जी होती है एक्साइटेशन एनर्जी के लिए पॉजिटिव लिखते हैं अब नेक्स्ट लिखा है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन सेकेंड ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट के लिए यहां जेड स्क्वायर लिखेंगे और एन स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो हीलियम के लिए जेड भी टू है और सेकेंड ऑर्बिट है तो ये भी टू दोनों कैंसल हो जाएगा थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट थर्टीन पॉइंट सिक्स सिक्स तो लिखा ही नहीं थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेक्स्ट फोटॉन्स ऑफ सेम एनर्जी ई आर इंसिडेंट ऑन बोथ ए एंड बी दोनों के लिए एनर्जी सेम है मैक्सिमम कानेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम ए इस ट्वाइस दैट ऑफ इमिटेड फ्रॉम बी मैक्सिमम कानेटिक एनर्जी फ्रॉम ए ये बी के मैक्सिमम कानेटिक एनर्जी का ट्वाइस है मैक्सिमम कानेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ई माइनस वर्क फंक्शन इक्वल्स टू टू ई माइनस वर्क फंक्शन ऑफ बी अब हम लोग को फाइंड क्या करना है वैल्यू ऑफ़ ई ई की वैल्यू फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ठीक है चलो अब चार ऑप्शंस दिए हुए हैं सॉल्व करना है बहुत सिंपल है बच्चों इधर टू ई इस को उधर ले जाओगे तो ई e बच जाएगा इधर माइनस टू फाइव बी है इधर ले आओ तो टू फाइव बी माइनस फाइव ए तो ई e की वैल्यू आप लिख सकते हो टू फाइव बी फाइव ई को डबल कर दो थर्टीन टू या ट्वेंटी सिक्स होता है तो ये ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू आ जाएगा फिर माइनस ये 3.4 3.4 को माइनस कर देंगे 23.8 आएगा 23.8 देखो ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट हो जाएगा सिंपल है बच्चों अब आगे बढ़ेंगे ये था क्वेश्चन नंबर 11 अगला क्वेश्चन नंबर 12 पैराग्राफ से रिलेटेड है देखो इसमें क्या लिखा है in the study of physics we often have to measure the physical quantities the numerical values of measured quantities can only be approximate as it depends upon the least count of the measuring instrument used the number of significant figures in any measurement is indicated by degree of precision to that measurement the importance of significant figures lies in calculation therefore the number of significant figures in the sum or product of a group of number cannot be greater than that number that has the least number of significant figure a chain cannot be stronger than its weakest link theek hai to ab hum logo ko answer karna hai dekho sabse pehle question number 12 देखो ये है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है अ बी ऑफ मास ये मास गिवन है सिट्स ऑन द फ्लोर फ्लावर ऑफ मास ज़ीरो पॉइंट जीरो वन टू थ्री किलोग्राम तो फ्लावर का भी मास दिया है बी का भी मास गिवन है वॉट इज द टोटल मास सपोर्टेड बाय द स्टेम टोटल मास जो भी आएगा एड करके लेकिन फाइनली हमें जो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें लिखना है तो उसके बाद देखो डेसीमल के बाद सिर्फ फोर डिजिट तक इसमें डेसीमल के बाद कितने डिजिट हैं सिक्स डिजिट्स हैं तो जिसमें कम डिजिट तक होता है उतने डिजिट तक ही हम लोग आंसर करते हैं यानी इन सारे ऑप्शंस में से डेसिमल के बाद फोर डिजिट तक ही राउंड ऑफ करके हमें आंसर करना होता है तो अब चेक करो कि फोर डिजिट तक किस में इसमें थ्री डिजिट है इसमें फोर है तो ये सही है इसमें देखो फाइव हो गया और इसमें सिक्स है तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है सीधा ऐड करके छोड़ नहीं देना बल्कि ऐड करने के बाद जो रूल्स होता है सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर करने का राउंडिंग ऑफ का वो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल के बाद फोर डिजिट तक ही मिनिमम फोर डिजिट तक लिखा है तो इसलिए हमारा आंसर डेसिमल के बाद मिनिमम फोर डिजिट तक होना चाहिए थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा बिना कैलकुलेशन के अब क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखो यह थर्टीन क्वेश्चन अब इसमें क्या लिखा है द रेडियस ऑफ आर यूनिफॉर्म वायर इज आर इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो टू वन सेंटीमीटर द वैल्यू पाई इज गिवन टू बी थ्री पॉइंट वन फोर टू वट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ़ द वायर अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं पाई आर स्क्वेयर देखो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें टू इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो लिखा है फोर तो हमारा जो आंसर होना चाहिए जब मल्टीप्लाई और डिविजन करते हैं तो उस कंडीशन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होता है तो क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर टू है तो हमारा आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए यहाँ पर ये वन सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें थ्री है इसमें फ़ोर है इसमें टू है तो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर फोर सिंपल है अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फोर्टीन है ना इससे पहले का क्वेश्चन थर्टीन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अब फोर्टीन ठीक है देखो फोर्टीन में लिखा है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ऑफ पावर थ्री पॉइंट टू इंटू टेन टू दे माइनस थ्री वोट एम एट्स मैग्नेटिक फोटोन्स ऑफ सॉरी मोनो इनर्जेटिक फोटोन्स ऑफ एनर्जी फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट द सोर्स इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट एट मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टेशनरी मेटलिक स्फियर इसको हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं मेटलिक स्फियर ऑफ वर्क फंक्शन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड रेडियस इसको स्मॉल आर कंसिडर कर लें रेडियस एट इंटू टेन टू दाइनस थ्री मीटर एफिसियंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज वन फॉर एवरी टेन टू पावर 6 इंसिडेंट फोटोस उसको इटा मान लेते हैं अज्यूम डेट द स्फर इज आइसोलेटेड एंड इनिशियली न्यूट्रल एंड दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंस्टेंटेंटली इंस्टेंटेनियसली स्विफ्ट अवे आफ्टर एमिशन इलेक्ट्रॉन वहां से निकला फिर उस इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जा रहा है ठीक है अब हमें क्या फाइंड करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड पहले हम लोग फाइंड करते हैं कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं और हर फोटॉन्स के लिए टेन टू पावर फोटॉन्स के लिए एक फोटो इमिट होगा ठीक है तो पावर गिवन है देखो ये पावर है इसको हम लोग पी से डिनोट कर दें एक पॉइंट सोर्स की बात करें यहां से आर डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी होगी उस इंटेंसिटी को हम लोग पावर अपॉन एरिया लिख सकते हैं ठीक है अब यहां पर एक छोटा सा एरिया सर्कुलर एरिया हम लोग कंसिडर कर लें, उस एरिया से कितनी एनर्जी पर सेकंड आएगी पी इंटू पाए आर स्क्वेर यह समझ में आया इसको हम लोग ई e से डिनोट कर देते हैं तो यहां पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये पता चल जाएगा कि कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई अब जितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई है उससे अगर हम लोग देखो एक सेकंड में ये एनर्जी जो है एक सेकंड की एनर्जी है पावर था उसको पूरे एरिया से डिवाइड करके ये पायर स्क्वायर ये एक सेकंड की एनर्जी मिल गई इसको ई डिनोट कर देते हैं सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको पावर कितना गिवन है थ्री पॉइंट टू इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर और कैपिटल आर की वैल्यू है पॉइंट तो पॉइंट एट इंटू पॉइंट एट फिर उसके बाद स्मॉल आर की वैल्यू है एट इंटू टेन टू दार माइनस थ्री तो एट इंटू एट लिख दें स्क्वायर करने पर टेन टू दार माइनस सिक्स ऐसा लिख दिया पॉइंट एट से ये फोर टाइम्स में कैंसिल होगा ये फोर से फोर कट गया ठीक है फिर पॉइंट एट से ये टेन टाइम्स में कट जाएगा तो अभी जो ये रिजल्ट आ रहा है ये कितना आएगा एट इंटू टेन टू पावर नाइन और प्लस वन यानी कि एट इंटू टेन टू दावर माइनस एट इतनी एनर्जी आ रही है इतनी झूल एनर्जी पर सेकंड इंसिडेंट हो रही है ठीक है अब एक फोटो फोटोन के लिए जो एनर्जी है वो कितना है फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इससे हम लोग डिवाइड कर दें ये जूल पर सेकंड में आ रहा है सेकंड की बात करें तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी आएगी वो मिल गया हम लोग अब फाइंड कर सकते हैं एक सेकंड में कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले इन सबको दे देखो अब कैलकुलेट करना है ठीक है तो फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इससे डिवाइड कर देंगे फिर एफिशिएंसी से डिवाइड करना है नया स्लाइड आप सॉल्व करते हैं हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो ई e गिवन है या ई डिवाइडेड बाय ई हम लोग मान लेते हैं फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट को और उसको मल्टीप्लाई कर दे एफिशिएंसी से तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं देखो ई e की वैल्यू है 8 इंटू टेन टू दावर माइनस एट ये जूल में है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा था इसको 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन से मल्टीप्लाई कर दे ये भी जूल में आ गया एफिशिएंसी क्या है 10 टू दावर माइनस सिक्स क्वेश्चन में लिखा है 1 मिलियन फोटोन्स के लिए एक फ़ोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है ठीक है ना तो यहाँ से हमें एफिशिएंसी मिल गई 16 इंटू फाइव ये होता है 80 तो 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू फाइव ये एट से कैंसिल हो जाएगा अब आप इसको सॉल्व कर लो 10 टू पावर 19. 8 और 6 कितना होगा 14. यानी आंसर आएगा 10 टू दावर पावर 5 फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ठीक है सेकंड में कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए तब हम लोग चेक करते हैं यही था ना क्वेश्चन इसमें क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर टेन टू पावर फाइव। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ये आ गया क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सेम पैराग्राफ से रिलेटेड है इसमें लिखा है इट इज ऑब्जर्व दैट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन

देखो स्टॉपिंग पोटें सॉरी ये वर्क फंक्शन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ज़्यादा पोटेंशियल और ज़्यादा पोटेंशियल आ रहा है जो इंसिडेंट फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी पोटेंशियल है फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अगर पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ के टू वोल्ट और बढ़ गया फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया तो अब जो मैक्सिमम फोटोन वाली एनर्जी आ रही है वो भी कोई फोटो इलेक्ट्रिक नहीं करवा पाएगी ठीक है ना वैसा है। तो अब इसमें क्या फाइंड करना है द स्टॉपिंग पोटेंशियल कैन बी स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल होना चाहिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रोकने के कैपेबल होना चाहिए ठीक है तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं देखो जो ऑप्शंस दिया था ना बच्चों कैलकुलेशन न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है बस ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और ई e के टर्म में है तो ये ज्यादा आसान हो गया अब हम लोग बिना कैलकुलेशन के सॉल्व करेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये अगर ई वी से कम हो गया तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक जो है वो रुक जाएगा अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे ई e को नीचे डिवाइड कर दो स्टॉपिंग पोटेंशियल पोटेंशियल है इसके बराबर हो गया तो हमें तो हमें बस यही find करना था देखो जरा हो रहा है भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अगर के ई बाई मैक्सिम का एनर्जी ई के इक्वल हुआ तो भी ये रोक देगा और ऐसा किसमें लिखा है ऑप्शन नंबर टू में देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ई तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है यह था क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बच्चों अब नेक्स्ट है सेक्शन बी इसमें टोटल टेन क्वेश्चन है और जो चार ऑप्शन है उसमें से एक या एक से अधिक ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं चलो देखते क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन में लिखा है अ फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय पी इक्वल्स टू ए क्यूब बी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर रूट ऑफ सी द परसेंटेज एर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी आर वन परसेंट थ्री परसेंट फोर परसेंट एंड थ्री परसेंट रेस्पेक्टिवली अब चार ऑप्शन दिए हुए हमें चेक करना है देखो इसमें क्या लिखा है मैक्सीम परसेंटेज एर फिर यहाँ पर चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं डेल्टा पी बाई पी ए के लिए थ्री डेल्टा ए बाई ए फिर टू डेल्टा बी बाई बी फिर हाफ डेल्टा सी बाई सी और डेल्टा डी बाई डी ऐसा लिख सकते हैं अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दो परसेंटेज में देखो थ्री हम लोग इस सब को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा है ना हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए में जो परसेंटेज चेंज है वो कितना है वन परसेंट फिर टू इन टू देखो बी में परसेंटेज चेंज थ्री परसेंट उसके बाद हाफ और सी के लिए ये फोर परसेंट और डी के लिए थ्री लिखा है इसको आप लिख सकते हो थ्री प्लस सिक्स प्लस टू प्लस थ्री तो टोटल ऐड करके कितना आ जाएगा सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व टू फोर्टीन परसेंट अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन पी इज 14% करेक्ट है सेकंड में लिखा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन पी इज 10% 10% नहीं होगा बच्चों थर्ड में लिखा है मैक्सिमम एरर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेजरमेंट ऑफ बी मैक्सिमम एरर ये टर्म आ रहा है और ये किसके लिए लिखा है बी के लिए ये ऑप्शन करेक्ट है फिर नेक्स्ट है द मिनिमम एरर इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेजरमेंट ऑफ सी मिनिमम एरर इसमें कौन सा है टू और टू किसके लिए सी के लिए, लिए. यह ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा तो इसका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू देखो इसमें क्या लिखा है लेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी फोर पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स द सर्फेस ऑफ मेटल एजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन हैजी टी ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट Broglie वेवलेंथ इज लेमडा ए तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं फोर पॉइंट टू फाइव ये तो एनर्जी है इसको वर्क फंक्शन ऑफ ए प्लस ए एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा फिर लेमडा ए तो चलो उसका यूज करेंगे नेक्स्ट क्या लिखा है इसको हम लोग फाइव बी प्लस टी बी लिख सकते हैं TB. TB और TA, B, इनके रिलेशन दिया है डी ब्रोगली वेवलेंथ देखो और क्या लिखा है लेमडा बी इक्वल्स टू टू लेमडा ए ऐसा लिखा है तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ को आप लिख सकते हो एच बाय स्क्वेयर रूट ऑफ टू एम इंटू टी बी यहाँ पर ये यह हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू एम इंटू टी बी तो बाकी सारे टर्म्स देखो कैंसल हो रहे हैं अब जब स्क्वायर कर दोगे यहां पर टी ए है ना ए का तो जब आप स्क्वायर कर दो ए इक्वल्स टू फोर टी बी देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है एक रिलेशन दिया है टी बी इक्वल्स टू टी ए माइनस वन पॉइंट फाइव तो आप इसको इधर ले आओ टी ए की वैल्यू लिख दो टी बी प्लस वन पॉइंट फाइव इक्वल्स टू फोर टी बी तो मैक्सिमम करेंटिंग एनर्जी ऑफ बी यहां से मिल जाएगी थ्री आ गया डिवाइड कर देना TB इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव बाई थ्री यानी कि जीरो पॉइंट फाइव अब ये जीरो पॉइंट फाइव आ गया टी ए को क्या लिख सकते हैं देखो फोर टाइम्स है तो जीरो पॉइंट फोर का जीरो पॉइंट फाइव का फोर टाइम्स कितना आ जाएगा टू ये आ गया ना अब ऑप्शन चेक करते हैं सबसे पहले ऑप्शन में लिखा है वर्क फंक्शन ऑफ ए इज टू पॉइंट टू फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन हमें फाइंड करना है देखो टी ए कितना है टू फोर पॉइंट टू फाइव में से आप टू माइनस करोगे तो टू पॉइंट टू फाइव आएगा करेक्ट है सेकंड में लिखा है वर्क फंक्शन ऑफ बी एस फोर पॉइंट टू जीरो टी बी कितना है टू पॉइंट फाइव यहाँ टू पॉइंट फाइव लिखोगे तो ये फोर पॉइंट टू जीरो आएगा है ना इसमें से अगर आप पॉइंट फाइव माइनस करोगे तो फोर पॉइंट टू जीरो भी करेक्ट है फिर ए के लिए 2.0 पॉइंट जीरो मैक्सिमम करेंटिक एनर्जी ये भी सही है लेकिन यहां पर देखो आंसर पॉइंट है ये 2.75 लिखा है गलत होगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा अब आगे बढ़ेंगे अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन अ हाइड्रोजन एटम आर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन तो एन से कौन सा इंडिपेंडेंट है सिंबल्स ऑफ देयर यूजल मीनिंग्स पहला हम लोग चेक करते हैं ओमेगा स्क्वायर एन ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं वी बाई आर ठीक है अब देखो हम लोग को पता है बच्चों वी ये प्रोपोर्शनल टू जेड बाई, बाई एन होता है ई प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड ये रिलेशन है बस हम लोग को पुट करना है देखो वी यहाँ पर वी स्क्वायर बाई आर है ना तो पहले तो आप v की वैल्यू पुट कर दो यहां पर ये जेड जेड से तो रिलेशन लिखना नहीं है एन से लिखना है तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन और आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेर ये एन से इंडिपेंडेंट नहीं आया पहला आंसर इनकरेक्ट है दूसरा देखो ई बाय वी स्क्वेर ई बाय वी स्क्वेर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर होगा और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है यहां पर भी स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा ना तो ये n टू पावर जीरो के प्रोपोर्शनल होगा यानी n के n से इंडिपेंडेंट है तो ये आंसर करेक्ट है फिर हम लोग बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की देखो ये इनकरेक्ट आया ये सही है थर्ड में लिखा है वी स्क्वायर आर वी स्क्वेयर का मतलब ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड बाई एन वन बाई एन स्क्वायर के और आर प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के यानी एन टू दावर ज़ीरो है अब फोर्थ ऑप्शन को चेक कर लेते हैं ई बाई आर है ई प्रोपोर्शनल टू जेड जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है ऐसा लिख देते हैं और आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर तो ये तो इंडिपेंडेंट नहीं आया इसका मतलब सेकेंड और थर्ड इसका करेक्ट होगा ठीक है अब आगे बढ़ेंगे अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एक्सरे ट्यूब्स पहला लिखा है ऑन इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस पहले और दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस का वेरिएशन लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिलामेंट एंड टारगेट तो जब फिलामेंट और टारगेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है इसका मतलब वो जब टारगेट को स्ट्राइक करेगा तो जो एक्सरे फोटोन्स एमिट होंगे उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो यहाँ लिखा है फ्रीक्वेंसी ये टर्म सही लिखा है यहाँ है फोटोन फ्लक्स फोटोन फ्लक्स का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया जो एमिट हो रहे हैं उस पर फर्क नहीं पड़ेगा ये गलत है ये सही है थर्ड और फोर्थ में क्या लिखा है ऑन इंक्रीजिंग फिलामेंट करेंट फिलामेंट करेंट को बढ़ाने से जो नंबर ऑफ फोटो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं जो टारगेट को टकराएंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने का मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज होगी ना कि कट ऑफ वेवलेंथ तो ये गलत है ये सही है ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं ये था क्वेश्चन नंबर फोर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव देखो इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास कैन बी कन्वर्टेड इन टू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, द लाइटेस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल टेकन टू बी द इलेक्ट्रॉन हैज अ मास इक्विवेलेंट टू जीरो पॉइंट फाइव वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी देन वी कैन से दैट अब चार ऑप्शन दिए हैं चेक करना है देखो पहले में क्या लिखा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल थ्रू कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम लोग बात करते हैं पेयर प्रोडक्शन की यहां पर क्या हो रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल थ्रू कन्वर्जन ऑफ मास यानी कि मास जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कई बार ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेयर एनहिलेशन उसमें जैसे एक एंटी पार्टिकल्स एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल जब मिलते हैं पूरी तरह से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे कि एक पॉजिट्रॉन हम मान लें और एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लें इन दोनों के मिलने से गामा फोटोन क्रिएट होता है पूरी तरह से ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो इसमें कम से कम यहाँ पर हम लोग ऐसे कह दें कि टोटल जो एनर्जी है इसका भी पॉइंट फाइव वन इसका भी पॉइंट फाइव वन तो टोटल आप उसको ऐड करोगे कितना आएगा 1.02 पॉइंट जीरो टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मिनिमम इनर्जी जो अवेलेबल होगी वो 1.02 पॉइंट जीरो टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी एक पार्टिकल और दूसरे एंटी पार्टिकल के कारण एक इलेक्ट्रॉन दूसरा पॉजिट्रॉन के कारण देखो नेक्स्ट क्या लिखा है द लीस्ट एनर्जी ऑफ गामा रे फोटो दैट कैन बी कन्वर्टेड इन मास इज फिर से अब ये गामा रे फोटोन है जब हम लोग इन दोनों का पेयर एनिलेशन करते मतलब ये दोनों कंप्लीटली मिल करके एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं तब भी इतनी एनर्जी है अब यहाँ से पेयर प्रोडक्शन होता है अगर एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बनते तो भी उसके लिए इतनी ही एनर्जी चाहिए तो ये भी सही लिखा है ठीक है सिंपल है एक पेयर प्रोडक्शन से रिलेटेड है एक पेयर एनहिलेशन से अब यहाँ पर थर्ड और फोर्थ में क्या लिखा है देखो ध्यान देना

ये दोनों के दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द हेवियर ऑफ द टू पार्टिकल्स हैव अ स्मॉलर डिब्रॉगली वेवलेंथ इफ द टू पार्टिकल्स अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें एच बाई एम वी पहले लिखा है दो पार्टिकल है और दोनों की स्पीड सेम है अगर दोनों की स्पीड सेम है तो जो हैवियर ऑब्जेक्ट होगा उसका वेवलेंथ कम होगा जिसकी मास ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम स्मॉलर डी वेव वेवलेंथ किसका होगा हेवियर पार्टिकल का ठीक है यहाँ पे लिखा भी है कि विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हेवियर पार्टिकल हैज़ टू बी स्मॉलर डिब्रॉगली वेवलेंथ पहले कंडीशन में ऐसा हो सकता है सेकेंड लिखा है दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है अगर लीनियर मोमेंटम सेम तो वेवलेंथ सेम सेकेंड इन करेक्ट थर्ड में लिखा है मूव विथ सेम काइनेटिक एनर्जी आप इसी को लिख सकते हो एच अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो फिर से जिसका मास ज्यादा है उसके लिए वेवलेंथ कम होगा करेक्ट लिखा है फिर देखो नेक्स्ट क्या लिखा है सेम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन अ कंजर्वेटिव फील्ड तो जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लॉस इन ग्रेविटेशन सॉरी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा तो दोनों कंडीशन में थर्ड और फोर्थ में काइनेटिक एनर्जी सेम है तो फिर से हेवियर ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ कम होगा फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे देखो सेवेंथ में क्या लिखा है टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैव हाफ लाइफ टी एंड टू टी इनिशियली दे हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी इक्वल्स टू फोर टी द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज एक्स एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्टिविटी इज वाई ठीक है अब हमें x और y की वैल्यू बतानी है इनिशियली दोनों का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है जो एक्टिव न्यूक्लियाई है तो अगर हम लोग फर्स्ट एटम के लिए बात करें एन वन लिख देते हैं फोर टी टाइम के बाद फर्स्ट एक्टिव न्यूक्लियाई का फोर हाफ लाइफ हो चुका होगा तो टी बाई टू टू पावर फोर लिख सॉरी एन बाई क्या हो जाएगा ये एन नॉट बाई टू टू पावर फोर इसी तरीके से अगर हम लोग एन टू की बात करें इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई सेम है लेकिन इसका टाइम पीरियड देखो इसके लिए टाइम दिया हुआ है फोर टी और हाफ लाइफ है टू टी यानी कि दो हाफ लाइफ के बराबर है तो अब एक्टिव न्यूक्लियाई रह जाएंगे एन नॉट बाई टू टू पावर टू इन दोनों का रेशियो क्या है एक्स नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशियो तो एक्स को हम लोग एन वन बाई एन टू लिख देते हैं एन नॉट कट जाएगा नीचे टू टू पावर फोर ऊपर टू टू पावर टू यानी कि फोर बाई ए सिक्सटीन हो जाएगा ना वन बाई फोर इसका सेकेंड आंसर करेक्ट होगा फर्स्ट इन करेक्ट होगा अब थर्ड और फोर्थ को चेक करेंगे वाई क्या लिखा है एक्टिविटी तो वाई को हम लोग लिख दे ए वन बाई ए टू इसको आप लिख सकते हो लेमडा वन एन वन बाय लेमडा टू एन टू लेमडा वन बाय लेमडा टू को टी टू बाई टी वन लिख सकते हैं क्योंकि लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाफ लाइफ और एन वन बाई एन टू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ये वन बाई फोर है पुट कर देते हैं यहां पर by T2 by T1, ये कितना होगा टू तो टू इंटू वन बाई फोर आंसर आएगा वन बाई टू तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट है बच्चों फोर्थ इनकरेक्ट है अब आगे बढ़ते हैं ये सेवेंथ क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर एट लिखा है एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप्स फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड देन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट ये वन मान लो टू थ्री तो पहले यहां से यहां फिर सेकेंड से ग्राउंड स्टेट में आ गया सेकेंड ऑर्बिट से लेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन द इन दीज टू केसेस भी ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली तो ए बी और सी की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है देखो सबसे पहले तो हम लोग इस कंडीशन में जो वेवलेंथ है लेमडा इसको लेमडा डैश से डिनोट कर दें वन बाई लेमडा को क्या लिख सकते हो आप आर जेड स्क्वेर इन लेमडा के लिए आएगा वन बाई टू स्क्वेयर माइनस वन बाई थ्री स्क्वेर ठीक है सॉल्व कर लेते हैं नाइन माइनस फोर यानी फाइव आर जेड स्क्वेयर बाय थर्टी सिक्स ठीक है उसके बाद फिर वन बाई लेमडा डैस की बात करें आर जेड स्क्वेयर वन बाई वन स्क्वेयर माइनस वन बाई टू स्क्वेयर वन माइनस वन बाई फोर हो जाएगा यानी थ्री बाई फोर थ्री आर जेड स्क्वायर बाई फोर ठीक है अब हम लोगों सबसे पहले ए देखो ए लिखा है यहां पर रेशियो ऑफ वेवलेंथ यानी ए को हम लोग लेमडा बाय लेमडा डैस लिख सकते हैं लेमडा डैस वन बाय लेमडा डैस ये रहा थ्री आर जेड स्क्वायर बाई फोर ये स्क्वायर लिखा है और फिर लेमडा इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि थर्टी सिक्स बाई फाइव आर जेड स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा फोर से ये नाइन टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा आर जेड स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया ट्वेंटी सेवन बाई फाइव तो ए की वैल्यू होगी ट्वेंटी सेवन बाई फाइव यहाँ लिखा है नाइन बाई फोर फर्स्ट ये सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया अब हम लोग बी और सी की बात करते हैं देखो यहाँ पर पहला तो था वेवलेंथ का रेशियो नेक्स्ट है मोमेंटम का रेशियो ठीक है ए की वैल्यू मिल गई ना अब नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसको एक तो मोमेंटम मोमेंटम का रेशियो बी है और इनर्जी का रेशियो सी है बी को हम लोग लिख सकते हैं पी बाई पी डैश और सी क्या है बाई डैश ठीक है जान्दो. p बाई पी डैस पी होता है h बाई लेमडा यानी कि यहां पर लेमडा डैश ऊपर आएगा लेमडा नीचे आ जाएगा e बाई डैश एच सी बाई लेमडा यानी इसमें भी लेमडा नीचे लेमडा डैश ऊपर लेमडा डैश बाय लेमडा इसका उल्टा ये वन बाई ए ये भी वन बाई ए वन बाई ए का मतलब फाइव बाई ट्वेंटी सेवन ये भी फाइव बाई ट्वेंटी सेवन अब फर्स्ट थर्ड और फोर्थ को चेक कर लेते हैं देखो बच्चों ये तो पहले ही इनकरेक्ट हो चुका था बी और सी फाइव बाई ट्वेंटी सेवन आ रहा है और दोनों वन बाई ए के इक्वल है यहाँ पे सी लिखा है 1 by a, तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये तीनों के तीनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ये था क्वेश्चन नंबर एट नाइन्थ में लिखा है सपोज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन एट अ डिस्टेंस आर इज गिवन बाय माइनस के ई स्क्वे बाई थ्री आर स्क थ्री आर क्यूब एप्लीकेशन ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन दिस केस सोज तो अब हम लोगों को फाइंड करना है कि जो एनर्जी है एंथ ऑर्बिट की वो एन के किस पावर पर और एम के किस पावर पे डिपेंड करता है बस यही सारे ऑप्शन में लिखा हुआ है जो एनर्जी है उसको एक बार देख लो पोटेंशियल एनर्जी ये गिवन है यू की वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग माइनस के ई स्क्वेर बाई थ्री आर क्यूफ अब स्लाइड चेंज करते हैं देखो बच्चों फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी आर डिफ्रेंशिएट कर दो के ई स्क्र ऊपर आ जाएगा थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री आर टू दी दया एम वी स्क्र बाई आर के इक्वल है ये थ्री के स्क्वायर बाई अच्छा थ्री से थ्री को कैंसिल ही कर देते ना आर टू दावर फोर तो अब ये हो जाएगा एम वी स्क्वेर आर क्यूब इक्वल्स टू के स्क्वेयर ठीक है एक इक्वेश्चन आ गया दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं एम वी इन टू आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई स्क्वायर कर दो एम स्क्वा स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वा पर पाई स्क्वायर और ये टू स्क्वायर ठीक है अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है अभी जब आप डिवाइड कर दोगे ये इक्वेशन टू है डिवाइड करने के बाद ऊपर में तो आर बचेगा नीचे एम बच जाएगा और ये किसके इक्वल लिख सकते हैं के ई स्क्वेर बाय एन स्क्वायर एच या ऊपर चला जाएगा फोर पाई स्क्वायर आर की वैल्यू हो गई के ई स्क्वेर इंटू फोर पाई स्क्वेर एम बाई एच स्क्वा एन स्क्वा आर प्रोपोर्शनल टू एम बाई एन स्क्वेर हमारा काम हो गया बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा था माइनस के यहाँ पर थ्री आर क्यूब और ऊपर क्या लिखा था स्क्वेर e ऐसा लिखा था तो पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म में है हम लोगों को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी होती है उसी का मैग्नीट्यूड को अगर आप हाफ कर दोगे ठीक है तो हमें क्या मिल जाएगा देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मोड ऑफ टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऐसा होता है तो इसका मतलब आप जब टोटल एनर्जी भी लिखोगे तो उसमें ये टर्म आ जाएगा क्या माइनस के स्क्वायर बाई सिक्स आर क्यूब ठीक है ना इसका हाफ कर दोगे तो अल्टीमेटली यू यू के बदले हम लोग टोटल एनर्जी को ई e लिख देते हैं ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूव हो जाएगा आर क्यूव कि e प्रोपोर्शनल टू ये ऊपर लिख देंगे एन टू दावर सिक्स बाई एम क्यूफ यह आंसर आया एन टू दावर सिक्स के प्रोपोर्शनल एम टू दावर माइनस थ्री के प्रोपोर्शनल बस सिंपल है अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन देखो पहला लिखा है एन टू दावर सिक्स के प्रोपोर्शनल है एंथ ऑर्बिट की एनर्जी सही लिखा है दूसरा m टू दी पावर माइनस थ्री के प्रोपोर्शनल है एनर्जी ये भी सही लिखा है यहाँ पर माइनस टू और यहाँ पर प्लस थ्री ये दोनों इनकरेक्ट है सिंपल अब आगे बढ़ जाएंगे ये क्वेश्चन नंबर नाइन हो गया नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन लेट m बी विद द मास ऑफ द प्रोटोन एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन एम वन द मास ऑफ नियॉन न्यूक्लियस एंड एम टू मास ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियस देन अब देखो हम लोगों को पहला देखो इसमें रिलेशन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है हम सबको ये पता है कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है वो फ्री न्यूक्लियंस के मास के सम से कम होता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर देखो फोर्थ ऑप्शन में लिखा है ये नियन के लिए लिखा है टेन एम एन प्लस एम पी टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस ये एम वन से यानी कि नियोन के न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा ऑप्शन करेक्ट है अब M1, M2 के बीच ये तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं तीन रिलेशन है हमें चेक करना है कौन सा सही है तो सिंपल सी बात है बच्चों हम लोग अगर बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की ठीक है बाइंडिंग एनर्जी तो देखो ये M2 है M2 कैल्शियम के लिए अगर आपको ग्राफ ध्यान हो इस तरीके से ग्राफ आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का यहां पर एटॉमिक नंबर लिख दे ठीक है सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं ये मास नंबर है तो आप देखोगे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं शुरुआत में ये धीरे, धीरे 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 इंक्रीज ही हो रहा है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर निक्लियन कैल्शियम की ज्यादा है और बाइंडिंग एनर्जी पर निक्लियन ज्यादा इसका मतलब मास डिफेक्ट ज्यादा मास डिफेक्ट ज्यादा यानी मास कम तो फिर इसका थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा एम टू की वैल्यू क्योंकि देखो यहाँ ट्वेंटी है उसका डबल फोर्टी तो एक्जेक्टली exactly फोर्टी नहीं होगा बल्कि एम टू का मास और कम हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी वो नियन से नियन इधर कहीं है नियन के कंपेरिजन में ज्यादा है ठीक है तो ये बेसिक सा कांसेप्ट है ग्राफ के बेसिस पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है सेक्शन डी देखो इसमें टेन क्वेश्चन है और इंटीजर टाइप है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन रेसिस्टेंस गिवन है वी और आई गिवन है हमें क्या बताना है परसेंटेज एरर तो इन आर तो डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई इन सबको हंड्रेड से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा डेल्टा वी फाइव बाई वी 100 प्लस डेल्टा आई जीरो पॉइंट टू आई टेन इन हंड्रेड तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फाइव प्लस टू सेवन परसेंट आ जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेवन ये था क्वेश्चन नंबर वन अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या लिखा है परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर टू परसेंट एंड थ्री परसेंट रेस्पेक्टिवली हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वेर इसको चलो के से डिनोट कर देते हैं ठीक है काइनेटिक एनर्जी को के से तो आप लिख सकते हो डेल्टा के बाय के इंटू हंड्रेड इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम इंटू हंड्रेड प्लस टू डेल्टा वी बाई वी इंटू हंड्रेड डेल्टा एम बाई एम कितना परसेंट है ये टू परसेंट और ये थ्री परसेंट है इसको टू इंटू थ्री लिखो यह थ्री इंटू टू ये टू लिखा है ये थ्री परसेंट तो सिक्स प्लस टू कितना आएगा आंसर बच्चों एट परसेंट सिंपल क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री डायमेंशन से रिलेटेड है क्या लिखा है इफ एक्स एंड ए स्टैंड फॉर डिस्टेंट डिस्टेंस देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन इन द गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए ये जो इक्वेशन है इसको डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए इस तरफ का डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों इक्वल होना चाहिए यहां पर साइन इनवर्स है ये एंगल है इसका कोई डायमेंशन नहीं है तो इधर भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए डी एक्स डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या मीटर डायमेंशन एल यहाँ पर देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए ए स्क्वायर लिखा है तो डिस्टेंस इसका डायमेंशन एल स्क्वायेर यहाँ पर एक्स है एल पावर एन कंपेयर कर लो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए टू क्योंकि एक ही जैसे डायमेंशन वाले सेम डायमेंशन के टर्म्स ही एड या सब हो सकते फिर आप स्क्वायर रूट करोगे तो एल आएगा एल से एल कैंसल लेस हो जाएगा तो आंसर क्या होगा बच्चों एन इक्वल टू टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर फोर में देखो क्या लिखा है एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर नाइन एटॉमिक नंबर नाइन इसको हम लोग जेड वन कह देते हैं एमिट्स के एल्फा एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ लेडा तो लेमडा वन भी पता है फाइंड द एटमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विच एमिट्स के एल्फा ऑफ वेव लेंथ फोर लेमडा ऐसा है ठीक है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वन बाई लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस वन स्क्वेर ऐसा लिख सकते हैं एक्सरेज के लिए तो अब जेड टू हमें फाइंड करना है बच्चों जेड टू की वैल्यू फाइंड करनी है जेड टू माइनस वन बाय जेड वन माइनस वन का स्क्वेयर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है तो लेमडा वन बाय लेमडा टू ऐसा लिख सकते हैं जेड टू माइनस वन यहां पर नाइन है नाइन माइनस वन लेमडा वन की वैल्यू है लेमडा और लेमडा टू है फोर लेमडा यानी ये वन बाई फोर आ गया जेड टू माइनस वन बाई एट ये वन बाई टू हो जाएगा टू से ये फोर टाइम्स में कैंसिल जेड टू माइनस वन फोर जेड टू की वैल्यू फोर प्लस वन फाइव तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फाइव ठीक है अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर हो गया ये क्वेश्चन नंबर फाइव देखो ध्यान देना अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन अ प्रोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय वी गिवन है वी नॉट एल एन आर बाई आर नॉट वेयर वी नॉट एंड आर नॉट आर कांस्टेंट्स एंड आर इज द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द प्रोटोन ठीक है Assuming Bohr's model to be applicable,

अब F को हम लोग लिखते हैं डी यू बाई डी आर तो ये क्या हो गया ई वी नाट लॉग आर बाई आर नाट यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो टर्म क्या आ जाएगा देखो ई वी नाट कॉन्स्टेंट है फिर log R का डिफ्रेंशिएशन वन बाई आर इसको ऐसे लिख दो log R माइनस लॉग आर नाट आर नॉट तो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो और लॉग आर का वन बाय आर ये हमारे पास फोर्स मिल जाएगा नेगेटिव साइन है नेगेटिव तो सिर्फ इस बात को बता रहा है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ठीक है अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ये जो फोर्स है ये एम वी बाय आर के इक्वल हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर तो यहां से आर कैंसल हो जाएगा हम लोग ये कह सकते हैं कि वी जो है ये आर से इंडिपेंडेंट हो गया यहां तक समझ में आया वी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर अब आगे बढ़ते हैं बोर्ड पॉस्टूलेट के अकॉर्डिंग एम वी आर ये एन एच बाई टू पाई होता है ये V जो है ये इंडिपेंडेंट हो गया R से यह इंडिपेंडेंट हो गया N से क्योंकि हमने जो अभी लिखा था ई वी नॉट क्वल्स टू एम वी स्क्वे ये रिलेशन आया था तो v n से भी इंडिपेंडेंट है v r से भी इंडिपेंडेंट है अब हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं कि r प्रोपोर्शनल टू n होगा ठीक है ना v यहां पर कांस्टेंट आ गया है r प्रोपोर्शनल टू n यानी n टू द पावर x लिखा है तो x की वैल्यू वन अब आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया सिक्स लिखा इट इज प्रपोज टू यूज्ड द न्यूक्र फ्यूजन रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ये रिएक्शन दिया हुआ है इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ टू हंड्रेड मेगा वाट रेटिंग यानी एक सेकेंड में टू हंड्रेड मेगाजूल एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है इफ़ द एनर्जी फ्राम द अवा रिएक्शन इज यूज विथ ट्वेंटी फाइव परसेंट एफिशियसी इन द रिएक्टर रिएक्टर में जितनी एनर्जी रिलीज हुई या प्रोड्यूस हुई है उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट एक सेकेंड में इतना मिल रहा है ठीक है फिर लिखा एन इंटू फ्यूल विल बी नीडेड पर डे फाइंड 60 ग्राम है तो एन की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है सबसे पहले तो हम लोग एनर्जी फाइंड कर लेते हैं बच्चों क्यू वैल्यू कहते इसको डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेर अब डेल्टा एम के लिए देखो यहाँ पे मासेस गिवन है ये हाइड्रोजन का भी हीलियम का भी हाइड्रोजन नहीं है ड्यूटेरियम है तो दोनों का मासेस गिवन है आप क्या लिख सकते हो टू इन टू ड्यूटेरियम का मास कहाँ ये टू पॉइंट जीरो वन फोर वन माइनस फोर पॉइंट जीरो जीरो टू सिक्स और सी स्क्वेर इसको नाइन थर्टी वन पॉइंट फाइव अब ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आता है वो है ट्वेंटी फोर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले यहां तक समझ में आया क्यू वैल्यू मिल गई एक रिएक्शन से जितनी एनर्जी मिलेगी वो मिल गया ठीक है अब आगे बढ़ेंगे बच्चों कितना आ गया है 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब इसके बाद नेक्स्ट लिखा है कि एक दिन में जितने फ्यूल की जरूरत है वो है एन इंटू सिक्सटी ग्राम यहां से लिखते हैं एन इंटू सिक्सटी ये ग्राम में आया फाइंड करते हैं कि ये कितने मोल के बराबर होगा देखो ये टू ये टू टू इंटू टू यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे अब इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू टू है हम लोग सिक्स मान लेते हैं टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री एवोकेटो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया अब मिल गया कि नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होंगे अब हर नंबर ऑफ रिएक्शन के लिए जो एनर्जी है वो कितनी 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 टू द पावर सिक्स अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1.6 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या मिल गया ये रिजल्ट मिल गया कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी ठीक है इससे टोटल अब इसके बाद एफिशिएंसी भी लिखा है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट लिख देंगे ठीक है तो ये हमें मिल गया टोटल एनर्जी एक दिन की एक दिन की एनर्जी अगर हम लोग बात करें देखो एक सेकंड में कितनी एनर्जी मिल रही है टू हंड्रेड मेगा यानी टू हंड्रेड इंटू टेन टू दावर सिक्स जूल एक सेकंड में एक दिन का मतलब 24 घंटे और 24 घंटे का मतलब तीन हजार छ सौ हर एक घंटे का मतलब तीन हजार छः सौ सेकेंड तो यहां पर ऐसा लिख देते हैं ये समझ में आ रहा है ये भी जूल में आया एक दिन में टोटल जो एनर्जी है ये भी जूल में दोनों इक्वल होगा जब आप इसको सॉल्व करोगे अब बहुत आसान सा कैलकुलेशन हो गया बच्चों देखो सब कैंसिल होता जाएगा और आप सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू टू आ जाएगी सिंपल है तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों टू अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन देखो इसमें क्या लिखा है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए इज टू टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ एनदर सब्सटेंस बी इसके लिए टी मान लेते हैं तो ए के लिए कितना हो जाएगा टू टी डबल है इसलिए इनिशियली द नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर एन 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 बी रेस्पेक्टिवली आफ्टर थ्री हाफ लाइफ ऑफ ए ए का थ्री हाफ लाइफ कहने का मतलब सिक्सटी टाइम के बाद नंबर ऑफ न्यूक् आई ऑफ ए एंड बी बोथ आर इक्वल तो इसका मतलब हो गया एन डैस ए मान लेते हैं ये सिक्सटी टाइम के बाद एक्टिव निक्लियाई है ए की और एन डैस बी ये बी की एक्टिव निक्लियाई है देखो ए के लिए ये कितना हाफ लाइफ होगा थ्री तो आप इसको लिख सकते हो एन ए बाई टू टू पावर थ्री और बी की बात करें उसका हाफ लाइफ है टी ये सिक्स टी यानी कि सिक्स हाफ लाइफ के बराबर है ऐसा लिख देते हैं हमें क्या फाइंड करना बच्चों एन ए बाई एन बी एन ए बाई एन बी ये हो जाएगा वन बाई टू टू पावर थ्री वन बाई एट यानी कि एन की वैल्यू हो जाएगी एट सिंपल है अब आगे बढ़ेंगे अब देखो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट इसमें लिखा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक ऐटम हैविंग एटमिक नंबर जेड इज सेम एज दॉर्टेस्ट वेव लेंथ ऑफ बालमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम द वैल्यू ऑफ जेड इज देखो बाल्मर सीरीज के लिए हम लोग एन वन की वैल्यू या एन जो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं टू और ब्रैकेट सीरीज के लिए एन वन की वैल्यू क्या हो जाती है फोर समझ में आ रहा ना? है ना ठीक है तो पहले ये लिखा हाइड्रोजन एटम के लिए और दोनों का वेवलेंथ सेम है तो वन बाई लेमडा या आप ऐसे लिख दो एच सी बाई लेमडा ये डेल्टा ई के इक्वल होता है तो फर्स्ट केस में जो डेल्टा ई होगा और सेकंड केस में डेल्टा ई एक, दोनों इक्वल होने चाहिए डेल्टा ई की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं बच्चों थर्टीन पॉइंट सिक्स ठीक है पहले हाइड्रोजन की बात करें तो थर्टीन पॉइंट सिक्स हो गया इन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वेर ये टू स्क्र क्योंकि शॉर्टेस्ट वेव लेंथ है शॉर्टेस्ट वेव लेंथ का मतलब उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होगी मैक्सिमम और एनर्जी मैक्सिमम का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कहाँ से इन्फिनिटी से ठीक है ना तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से जो आयनाइजेशन इनर्जी होगी उसी को डायरेक्ट पुट कर रहे हैं क्योंकि दूसरा ऑर्बिट तो इन्फिनी है ठीक है अब देखो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए 13.6 पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या है ब्रैकेट सीरीज फोर स्क्वायर दोनों को इक्वेट करना है 13.6 पॉइंट सिक्स कैंसल हो जाएगा आप इधर ले आओ फोर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर है ना 16 बाई फोर फोर आ जाएगा तो जेड की वैल्यू आप क्या लिखोगे टू करेक्ट आंसर हो गया टू अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन इसमें लिखा है इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज एंथ एक्साइटेड इन एक्स एंथ एक्साइटेड स्टेट इट कम्स डाउन टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बाय एमेटिंग 15 डिफरेंट वेवलेंथ तो हमें क्या फाइंड करना बच्चों एन की वैल्यू देखो फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू ये किसके इक्वल दिया है फिफ्टीन के इक्वल एन इंटू एन माइनस वन को आप थर्टी के इक्वल लिख सकते हो अब इसको सिक्स इंटू फाइव लिख दो सिक्स इंटू फाइव थर्टी एन की वैल्यू सिक्स एन माइनस वन की वैल्यू फाइव हमें फाइंड क्या करना है एन तो एन की वैल्यू हो गई सिक्स सिंपल है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस फॉर वन मीन टाइम वन मीन टाइम का मतलब होता है अगर आप इसको एवरेज कह दो या मीन टाइम तो इस कंडीशन में ये वन बाय लेमडा के इक्वल होता है और इतने टाइम में जो एक्टिव न्यूक्लियाई बाकी रहेगी वो किसके इक्वल होता है एंड नॉट बाय ई के ये तो डेफिनेशन ही है मीन लाइफ या एवरेज लाइफ का अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी के लिए सिंपल ऐसे लिख सकते हैं एन बाय एन नॉट अब अगर आप एन की वैल्यू यहां पुट कर दो एन नॉट बाई तो ये क्या आएगा वन बाई ई यहां पर क्या लिखा है एन बाई e. और एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एन की वैल्यू वन हो जाएगी करेक्ट आंसर क्या होगा वन ठीक है बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन खत्म हो गया तो उम्मीद है आज का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा बच्चों आपके अच्छे रिजल्ट की शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं थैंक यू